बेलगाम हवाई अड्डे पर शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कहा कि अभिभावकों और छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में स्थिति में सुधार होने पर ही SSLC परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर कोविड पर काबू नहीं पाया गया तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। बीम्स अस्पताल बेलगाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीम्स में चल रही गड़बड़ी की जांच कर कार्रवाई करेंगे और जल्द ही एक सक्षम IAS अधिकारी को बीम्स में नियुक्त करेंगे। किसानों के प्रदर्शन पर इन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। CM येडियुरप्पा के बेलगाम पहुंचने के पहले ही किसानों ने सुवर्ण विधान सौधा के सामने अपनी मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता चुन्नप्पा पुजारी, राघवेंद्र नायक के नेतृत्व में किसानों ने किया प्रदर्शन। इन्होंने गन्ने के बकाया राशि के भुगतान की मांग की। इस दौरान पुलिस की किसानों से कहा सुनी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस और किसानों की कहा सुनी में किसानों ने पुलिस से सवाल किया कि राज्य में करीब 1500 करोड़ रुपए का गन्ना बिल बकाया है, सब्जी उत्पादक संकट में हैं, आखिरकार हम कहा जाए, हमारी फरियाद किसे सुनाए। जमीयत उलमाए हिंद बेलगाम के कुछ जिम्मेदारों ने माँ साहिबा कुर्ची का दौरा किया। कुर्ची में कोविड के दौरान किए जा रहे खिदमात का भी इन्होंने जायजा लिया और खिदमात अंजाम दे रहे कुछ नौजवान जिनमें से अतीफ पटेल, अहमद संदरवाले, जहूर बाबा, समीर कुरेशी से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। आने वाले दिनों में कुर्ची में एक अस्पताल की बुनियाद डालने पर भी गौर किया गया है। अस्पताल के लिए जमीन का जायजा भी लिया गया। कुर्ची से भी चैनल के लिए जहूर बाबा की रिपोर्ट। सौदत्ती तहसील के मुनवल्ली में कांग्रेस लीडर पंचन गौड़ा, दयामन गौड़ और सतीश जरकीहोली, इनके जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंदों को रेशन किट्स बांटे गए और मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। इस दौरान KPCC कार्याध्यक्ष सतीश जरकीहोली, इन्होंने कहा कि इस समय लोगों की सहायता के लिए आने वाले लोगों को समाज प्रोत्साहित करे। पंचन गौड़ा, दयामन गौड़ ने कहा, हमारा लक्ष्य सावदत्ती तहसील के 83 गांवों में जरूरतमंदों को 10,000 किट वितरित करना है। हम चाहते हैं कि इस संकष्ट काल में कोई भी भूखा ना सोए। सौदत्ती से भी चैनल के लिए इमाम हुसैन, फनी बंद की रिपोर्ट।